खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। राजस्थान के धौलपुर में एक होटल में फायरिंग से दहशत फैल गई। एक शख्स ने देर रात अपने साले के होटल पर पहुंचकर मैनेजर से मारपीट की और फिर अपने साले के ऊपर ही फायरिंग कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस वालों की हुई पिटाई, उनकी वर्दी फाड़ दी गई और सर्विस पिस्टल भी छीनने की कोशिश की गई। पुलिस वालों पर एक महिला से गाली गलौच और मारपीट का आरोप था। गुस्से में महिला के परिजनों ने पुलिस वालों को पीट दिया। बिहार के औरंगाबाद में जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। छापे में 10 मोबाइल, 2 चार्जर, खैनी, गांजा, कैंची, कार्ड रीडर, नेल कटर से लेकर सिरेंज और स्पाई पैन कैमरा तक बरामद हुआ। इस जेल में 80 से भी अधिक नक्सली बंद है। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस के 30 जवानों के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया। शुक्रवार को खानपुरिया गांव में मध्य प्रदेश पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग में एक शख्स के घायल होने के बाद केस दर्ज किया गया। बिहार के गोपालगंज में मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक को नग्न करके पेड़ से बांधकर पिटाई करने का वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के मेरठ में शनिवार की शाम 14 साल के एक बच्चे का अपहरण कर लिया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्चे को छुड़ा लिया और 2 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। यूपी के अमरोहा में पुलिस आदमपुर के घने जंगलों में 2 फरार अपराधियों की तलाश ड्रोन कैमरे से कर रही है। 17 जुलाई को 3 कैदियों ने 2 पुलिस वालों की हत्या कर दी। बिहार के बक्सर की जेल में 2 सिम कार्ड और 2 गांजे की पुड़िया बरामद हुई है। इससे जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। यूपी के इटावा में मेडिकल की पढ़ाई कर रही शैलजा सचदेवा ने सल्फास खाकर जान देने की कोशिश की। फिलहाल वो वेंटिलेटर पर है। शुरुआती जांच में सीनियर से प्रेम संबंधी मामला सामने आ रहा है।